meet and greet session with Mr. India second runner-up Pavan Rao was held for the media, where choreographer and film director Remo felicitated him. They also interacted with the media on the same. So, let's check them out. It's always been a proud moment for me. Like, jabhi bhi mere saath rehte, he's always been there for me, like a support. Always, just not for me, even for my crew, for all the talented dancers. But today I'm like really, 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 really proud. I really cannot say it in words. Shayad do din baad bol paunga, but right now it's just like a dream going on. Like, thank you, Peter England, Mr. India, for making me feel like a celeb today. मेरे लिए तो बहुत proud moment है और जैसे कि अभी मैंने कहा कि जैसे जब भी मेरा बेटा स्कूल में या कोई मेडल लेके आता है या सब जो proud feel होता है तो सोचो अगर मेरा बेटा कोई मिस्टर इंडिया सेकंड रनर आता है तो कितना प्राउड फील होगा. तो आई एम वेरी वेरी फीलिंग वेरी प्राउड फादर टुडे एंड ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस ओनली. और ये ऐसे था और इसकी जर्नी जो है वो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने इसको देखा है कितनी मेहनत की है इसने नॉट ओनली ऑफ वॉज डांसिंग बट मैंने देखा है इसको अपने आप पे कितनी मेहनत की है. इसकी बॉडी पे इसने मेहनत की है. इसने अपने आप को जिस तरीके से मेंटेन किया है यहाँ तक सेकेंड रनर पहुँचा है मतलब उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. ऐसे ही कोई भी मिस्टर इंडिया में जा नहीं सकता है आप सबको पता है. और वहाँ पे आना और सेकंड रनर आना इट्स नॉट अ जोक बट उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. वो मैंने देखा है इसके इसने किया है और वो जर्नी के लिए आई सल्यूट पवन एंड अचीविंग दिस इज समथिंग रियली रियली ग्रेट एंड आई एम रियली प्राउड टुडे.